इस सर का दर्द गायब हो जाए और आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़े। चाय बनाए तो थोड़ी प्यार से बनाए ताकि दिमाग को ठाक करके लगे। तो जी 4 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, 1/2 कप एक्स्ट्रा दूध ऐड किया है और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, क्योंकि जहाँ से दूध मिलता है वो पानी पहले से ही ऐड कर लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है। और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें पत्ती ऐड की है, 3 से 4 अदद इलायची ऐड की है। उबाल आने के बाद हल्की आँच पर हम चाय को छोड़ देंगे। हम चाय पर रहम करेंगे कि चाय अच्छे से बन जाए और अपना जो कलर है उसका वो निखर के आए। तो आप जल्दबाजी में चाय ना बनाया करें, 8-10 मिनट आप चाय को छोड़ दिया करें। अब जो है हम कप में चाय को सर्व करेंगे, लेकिन ट्रे में हम बाद में कप रखेंगे, इससे ट्रे हमारी ख़राब नहीं होगी और स्लिप हम साफ़ कर लेंगे। तो जी ये चाय जो बनती है बहुत ही कड़क और ज़बरदस्त चाय बनती है। तो जी चाय तो सभी अपने घर में बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में चाय इस तरह बनती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो चाय ऐसी हो कि सर का दर्द गायब हो जाए और आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो प्लीज़ अपनी चीज़ें वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिए। दूध, चीनी, पत्ती सभी कुछ महंगा है। चाय बनाए तो थोड़ी प्यार से बनाए ताकि दिमाग को ठाक करके लगे और सर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको मेरे कुकिंग, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।